अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। हम लोग हैं आज मुंबई के अंधेरी ईस्ट एरिया में। हम लोग हैं हारून भाई के साथ में एट हारून गोट सेटअप। आइए हारून भाई से बात करते हैं। और इस वीडियो में आपको एक से एक बकरे देखने मिलने वाले हैं। अंडुल भी हैं, खस्सी भी हैं, बहुत अच्छे वेल सेटल बकरे अच्छे रेट्स में आप तक लाएंगे इंशाल्लाह। सो आइए हारून भाई से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? बहुत अच्छा हूँ। सो ब्लैक टी शर्ट में हारून भाई हैं, लोग जानते हैं, यानी हमारे शादाब भाई हैं माशाल्लाह। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ है। सो कितने बकरे हैं अपने पास अभी? अभी फिलहाल लगभग 14 बकरे हैं। 14 बकरे हैं, है ना, बेचने वाले? बाकी शौक तो आपका चल ही रहा है ना। सो जो बेचने वाले बकरे हैं उनमें कौन सी ब्रीड में ज़्यादा बकरे हैं? जी गुजरी है जी, ये दो ज़्यादा है। तो ये सारे बकरे रेडी हैं एकदम? रेडी रेडी, ये बकरे के बाद ही आ गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे क्लाइमेट में पूरे सूटेबल है, वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है बकरों का जी, टोटल अपडेट हो चुके हैं बकरे माशाल्लाह। सो ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है भाई, अगर किसी को आना है तो? अंधेरी ईस्ट मरोल चर्च रोड ऑपोजिट एयरपोर्ट रोड मेट्रो स्टेशन। ये जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर, 5 से 10 मिनट की दूरी, 5 मिनट। और जो मेट्रो स्टेशन है उससे वॉकिंग डिस्टेंस? जी जी वॉकिंग, 2 मिनट। टू मिनट आप देखते सामने से यार रेलवे। हाँ। ये सामने ही बिल्कुल है मेट्रो स्टेशन। ये सामने जो एक बिल्डिंग भी है ना, वो मेन रोड है पेनिनसुला। ठीक है, सो एक एक करके हम लोग बकरे देख लेते हैं। जो न्यू गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम बकरों को पकड़ेंगे नहीं, खुला छोड़ देते हैं, आप दोनों उनकी डिटेल्स दे दें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये बकरे हैं, यू नो लाइक जैसे जंगल से आके सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये बकरे बहुत अच्छे तरीके से सेट है यहाँ पर। सो हारून भाई, जैसे मैं बता रहा था लोगों को कि बकरे सेट करना आसान नहीं होता है, है ना, इनकी शाइनिंग और ये अभी बाकायदा सेट है, इनके पीछे कुछ काम नहीं है अभी ज़्यादा। तो अच्छा खिलाओ बकरे इतने रेडी करो, रेडी करिए, है ना। देखें क्वालिटी एक से एक है भाई माशाल्लाह। और जैसा मैं बता रहा था कि ये आप बहुत अच्छे रीजनेबल रेट में भी देने वाले हैं जिसको भी चाहिए तो। तो टोटल काफ़ी सारे बकरे हम लोग जोड़ी जोड़ी पकड़ते हैं पहले तो। तो ये पहले ये गुजरी से स्टार्ट करते हैं, कितने दांत पे होगा भाई? 4 दांत पे है गुजरी। इसका अप्रोक्स वेट क्या होगा? 55 to 60। और ये एक सोजत है ना? जी, ये अंडू है। अंडू है। हारू में ये वाला खस्सी, ये 2 दांत पे खस्सी है। और ये पीछे जो जोधपुरी टाइप में देख रहा हूँ, 2 दांत पे है ये भी, लगभग 60-65 केजी के आसपास है। बहुत अच्छी ब्रीड लाइन का बकरा लग रहा है। जी हाँ, लेकिन इसमें आसिम भाई को एक बात बोलना चाहूँगा जी, बचपन से ही उसका एक पैर टेढ़ा है, हल्का टेढ़ा, हल्का सी जो घुटना होता है वहाँ से हल्का टेढ़ा है। मैं दिखा दूँ आपको? हाँ, बाकी चलने फिरने में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं वो साइड का पैर ना। जी हाँ, वहाँ से लेफ्ट मैं देख लेता हूँ। बाकी चलने फिरने में इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं। ये अब जब भागेगा जब देखना आप लोग, बाकी बकरा आपके सामने। और हारून भाई ये जो अभी ये बकरा आगे आया, ये जो अभी ये जो मस्ती कर रहे, ये अदंत दांत कर लिया है, ये एक दांत 10 अभी फ्रेश निकाला है। वजन क्या होगा एक अंदाजा आपका? अप्रोक्स 50 केजी होना चाहिए, 45 to 50। बहुत प्यारा बकरा है, वो अंडुल है ना? जी अंडुल है। अब जो पीछे खड़ा है वाइट आईज में मेवाती, मैं इसको जूम करता हूँ, ये वाला जी हाँ। वाह क्या सीन है इसका माशाल्लाह। तो ये कितने दांत पे? ये 4 दांत अभी फ्रेश किया है इसने, आ रहा है देखो आगे आ रहा है। वाह वजन क्या होगा इसका आपके अंदाज? 60-65। बहुत सही चीज़ है भाई, इसमें खासी में पूरा खाली है बकरा। कितनी कैपेसिटी हो सकती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बनाने में तो अल्लाह है, पर एक अंदाज़ा बेशक ये मेरे पास ऑप्टिमल बकरा इतना रहेगा ना भाई, तो लगभग 100-110 आराम से जाएगा, इजीली जाएगा, वो भी मुँह से खा के, बहुत से खा के। सही चीज़ है भाई, देखो कितनी अच्छी फ्रेम का बकरा है।
ठीक है। अभी जो दो गुजरी साथ में पीछे खड़े, जो जो दो गुजरी खड़े हैं पीछे, एक तो ये रहा, इसको जूम करता हूँ। हाँ, इसकी क्या डिटेल्स है भाई? ये चार दांत पे, छह दांत पे है ये। हाँ, और 65 to 70 kg है, 70 kg इजीली है। 39 की हाइट है, 38-39 की हाइट है। क्या फ्रेम में है? हाँ, ये जो ऊपर चढ़ा दे, 70 kg का होगा ना ये? आराम से इजीली। अभी ये जो आ रहा है, ज्यादा वाइट गुजरी है जो, इसकी क्या डिटेल्स होंगे? ये 65 kg रहेगा, छह दांत पे। ठीक है, और ये सब खस्सी है ना? जी हाँ, गुजरी जो बड़े गुजरी। ये बड़े जितने भी, ये सब खस्सी है। ये मैंने जस्ट अभी पंच कराया हूँ ये दोनों। ये जो एक सामने जा रहा है, जो दीवार की तरफ है, बाकी सेट हो गए ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं। आई थिंक लगभग वो एक बकरा बाकी रह गया दिखाने, जो पीछे भी है ना। हाँ, ये क्या सोजत में? अदंत है, सोजत है, अदंत है। जी हाँ, 52 kg का है। वाओ, सिंग देखें आप तो, अदंत है तो सिंग तो और बढ़ेगी ऐसा लगता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी नोकीली और बेस्ट सिंग है माशाल्लाह। आप ज़्यादा तो आपको दिखा दूँ मैं, आपको दांत खोल के आपको एक आइडिया और मिल जाएगा। मतलब मैं देख लूँगा, हम लोग वीडियो में नहीं दिखा पाएंगे। तो अगर आप इसका वीडियो बना के रखें, कोई व्हाट्सएप पे भी ले लेगा तो देख सकते हैं। वैसे बेहतर यही है कि ऐसी चीज़ खुद आके देखी जाए, है ना। अब ये बकरा जो है, अभी पहला ये भी अंडों पे है। एक्चुअली इसने दांत जल्दी तोड़ दिए। अच्छा, क्या वजन पे हो गए ये? लगभग 45 kg, 40 to 45 kg होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे माशाल्लाह। ये अरुण पंजाबी का नहीं? हारून भाई, अगर मैं रेट्स की बात करूं तो सबका अलग अलग रेट होगा, जाहिर सी बात है। पर अगर किसी को लेना है तो आप कैसा दोगे? मैं केजी पे दे दूंगा। अच्छा, और नक पे भी दे दोगे ना? जी नक पे भी दे दूंगा। जी, आके देखेंगे तो बेहतर मालूम पड़ेगा उसमें। जी, आके एक बार आप लोग देख लोगे, पसंद कर लोगे। जी, तो केजी तो अपना वैसा 450 है। जी, नक पे चाहिए, नक पे भी करके देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही, मैं बोलूँगा, क्रीम बकरे हैं। और अगर ये रेट में अगर आप पूरा लॉट ले लेते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। क्रीम इन द सेंस सब शाइनिंग वाले हैं, वेल सेटल बकरे हैं। एक पंजाबी बकरा है, उसके भी डिटेल्स हम दे देंगे आप लोगों को। तो दोस्तों ये सारे बकरे आपके सामने हैं। इसमें चार अंडुल हैं, बाकी खस्सी हैं। बड़े बकरे सारे खस्सी हैं, ये बकरा अंडुल है, ये अदन बच्चा है सोजत का, जिसकी सिंग पीछे जा रही है। ये वाइट आइज में चार दांत पे अभी, ये बड़े बड़े हाइट के हैं, देख सकते हैं आप लोग, चार छः दांत के बकरे हैं इसे। सो अगर आपको कोई भी बकरा चाहिए इसमें से, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, मैं हारून भाई का नंबर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे डायरेक्ट बात कर लें। अरुण भाई, ये पंजाबी के क्या डिटेल्स हैं? ये दो दांत पे है जी, 55 to 60 kg, और इसकी हाइट कितनी होगी? 39। माशाल्लाह, तो ये भी देना है ना आपको? ये भी देना। तो ये भी वही रेट का है कि इसके अलग रेट होगा? इसका अलग रेट है ना। सो ये किसी को भी चाहिए नक पे दे, तो हारून भाई से कॉन्टेक्ट करें, नक पे दे देंगे। और माशाल्लाह ये बकरा अभी दो दांत किया है, दो दांत किया है जी, दो दांत दिखा दो उसमें। नहीं नहीं नहीं, रहने दो, माशाल्लाह। ठीक है भाई, भाई आप लोग है ना नंबर्स दे दें, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट करके आ पाएँ। मेरा नंबर है भाई 9870707074। ठीक है, 9837074। ठीक है, सो एड्रेस एक बार फिर बता दें भाई प्लीज़। मोहम्मद हाजी गफूर कंपाउंड, मरोल चर्च रोड, ऑपोजिट एयरपोर्ट रोड मेट्रो स्टेशन, नियर बाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, काफ़ी अच्छे बकरे लगे मेरे को तो पर्सनली। और जो भी लेगा ना, इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगा जी, क्योंकि देखो क्या है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा,
पूरी मेहनत आप कर चुके हो, कर चुके हो, वैक्सीनेशन पूरा बॉम्बे में एकदम सेट है, आपको बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन वगैरह सब हो चुका है, टोटल फीड भी सब दिखा दूंगा अभी आपको, चाहिए तो अंदर का सेटअप भी, अभी आपका अंदर का सेटअप और फीड भी दिखा दूंगा जो हम लोग खिलाते हैं, कि आपको टेंशन भी नहीं है कि भाई अगर मैं चना खिलाऊं या ऐसा कुछ तो लूज मोशन या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जी। तो इंशाल्लाह आपको एक थोड़ा सा मैं अनाज भी दिखा देता हूं। दिखा दो, चलो थोड़ा सा अनाज लेके आओ। ओके, सो ये फीड में आप लोग क्या क्या मिक्स देते हैं इसके अंदर? इसके अंदर आसिम भाई चना है जी, लाल घोड़ा जीरा है जी, मक्का टुकड़ा है जी, गेहूँ है। तो आप ये मतलब साथ में बना हुआ खरीदते कि आप खुद? नहीं, मैं खुद बनाता हूँ। आप खुद बनाते हैं? अभी इसके अंदर इंशाल्लाह देखो, अभी नेक्स्ट मंथ वो मिला नहीं था सोयाबीन दाना, अभी इसमें सोयाबीन दाना भी ऐड होएगा। सही है, ठंडी है ना जी उसके लिए। और वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट है ना? टोटल सब बकरों का, तो टोटल वैक्सीनेशन इनका यहाँ पर ही हो जाता है। ठीक है,